السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل هر تريكي تعريف وتوصيف براي بظروقي حمد अजमतों की बरियाई अल्लाह तबारक व ताली ही के लिए लायक व ज़ेबा है और उसी के लिए मुनासिब है जो हम सब का खालिक है राजिक है मालिक है मदब्बिर है और वही हम सब का माबूद है वही हम सब का मसजूद है इबादत हम सिर्फ उसी के लिए करते हैं नमाज रोज़ा रुकू सजूद नजर व कुर्बानी तवाफ़ सिर्फ़ उसी के घर का करते हैं क़ुरबानी सिर्फ़ उसी के लिए करते हैं इसी तरह हम अल्लाह ही के लिए सिफात मानते हैं जो आसमा वफ़ात अल्लाह तबारा ने अपने लिए और रसूल अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए हदीसों में साबित किया है अखिर में बेशुमार दरुद्लाम हो हम सब के नबी जना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मौजुअ़ गुफ्तु है वह है नूसम और उनकी दावत से मुतिक कुछ चीज़ें यानी एक अजीम दाई नूसलम एक अजीम दाई तो उनकी दावत और नू आसलम की सीरत से मुतलिक कुछ चीज़ें हम सुनेंगे कहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उनकी दावत और उनकी सीरत से मुतल कुछ चीज़ें कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज़ करें किस तरह उसको अपनी ज़िंदगी में हम तदबीक दें सिर्फ किससे कहानी के तौर पर किसी नबी की ज़िंदगी पढ़ना मकसूद नहीं और ये पुरान का मकसूद भी नहीं कुरान ने अम्बिया कराम के जो किस्से बयान किए हैं उसका मकसूद क्या है इबरत हासिल करना नसीहत पकड़ना उससे कुछ दर्द सीखना सिर्फ तारीख़ी वाकयात बयान करना मकसूद नहीं है तो नूसलम की ज़िंदगी जब हम देखते हैं नूसलम एकज़म रसूल हैं तारीख़ दावत तारीख़ अजीमत या दावत अज़ीमत की एक बड़ी चट्टान हैज़म रसूल हैं अज़म के पहाड़ हैं अजीमत के एक बड़े चट्टान हैं एक अजीम पैगंबर एक अजीम मसल़ एक अजीम रिफ़ार्मर नूसल जिनका तस्करा कुरान ने अल्लाह तबारक ततद मकाम पर किया है बल्कि एक मुकम्मल सूरत उनतीसवें पारे में नू आम के नाम से जिसको तकरीबन अक्सर लोग जानते होंगे उनतीसवें पारे में एक सूरत नूसम के नाम से है और उस पूरी सूरत में सिर्फ़ नू आम का तस्करा है वैसे आप देखेंगे कुरान में अम्बिया के के नाम से मतदद सूरतें कुरान में कितनी सूरतें हैं कुल हमारा ऐसा है कि आप भी सवाल जवाब में शरीक रहेंगे या गुफ्तु में शरीक रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सब लोग मेरी बातें समझ रहे हैं यानी क्या है वन साइड गुफ्तु नहीं होगी आप भी गुफ्तु में शरीक रहेंगे तो मजलिस इनशाला देर तक चलेगी ताकि मुझे समझ में आए कि जो गुफ्तु की जा रही उसमें सब लोग शर्क हैं सिर्फ़ अकेले महाजिर या मुकर या सिर्फ़ अकेले मौलाना नहीं बोल रहे सब लोग शर्क रहेंगे इन गुफ्तु में तो कुरान में कितनी सूरतें हैं एक सौ चौदह उसमें एक सूरत सलाम के नाम से किस बारे में है उनतीसवें पारे में नू सलाम एक अजीम नबी हैं एक सौ चौदह सूरतों में और कुछ सूरतें जो अम्बिया कर के नाम से हैं कुछ सूरतें थोड़ा आप दिमाग पर जोर लगाएं जो कि हमारा जो तरीका तालीम का तदरीस का आप सब लोग सीखें ऐसा नहीं कि मौलाना या महाजिर बोलते जाएं इधर से निकला इधर से गया नहीं सुरहूद है हाँ हाँ एक 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 सूरत है सूर्य में हुद सलाम का तस्करा मुकम्मल पूरी सूरत में नहीं है चंद रुकू में है, है ना सूर्य में मुकम्मल हूद का तस्करा नहीं है चंद रुकू या चंद आयतें हैं जो हूद की हयात खिदमत उनकी सीरत, उनकी दावत से मुतिक गुफ्तगू करती है और कोई सूरत सूर्य सूर्यस यूनसम का तस्करा लेकिन पूरी सूरत में नहीं चंद आएते हैं सूर यूनुस मकम्मल यूनसम के मतलब नहीं गुफ्तु करती है चंद आयतें हैं और कोई सूरत बता रहे थे भाई सुरह सुरहत लूत नहीं लूत के नाम से नहीं इब्राहिम सूर इब्राहिम इब्राहिम उनको क्या कहा जाता है अबुल अंबिया इब्राहिम सलाम को क्या खिताब दिया गया बुलंबिया आप सल्लाम के एक बेटे जिनका नाम इब्राहिम था उनकी विलादत हुई और बचपन में फौत हो गए उस हदीस के सियाक में आप फरमाते हैं मेरे घर बच्चे की वलादत हुई फसम तो बिस में अभी इब्राहिम अपने वालिद इब्राहिम के नाम से उस बच्चे का नाम रखा तो इब्राहिम को क्या कहा जाता है अबुल अबुलंबिया इब्राहिम का तस्करा क्या पूरी सूरत में है सूर्य इब्राहिम आप पढ़ेंगे क्या पूरी सूरत इब्राहिम इब्राहिम सलाम के तस्करे पर मुश्तमिल है नहीं एक रुक है तकरीबन सूर इब्राहिम में इब्राहिम सलाम का तस्करा एक रुक में बाकी दूसरी चीजें और इब्राहिम के अलावा और कुछ सूरतें जो हैं सूर्य यूसुफ यूसुफ भी एक ऐसी सूरत है जिसमें यूसुफ यूसुफ्लाम का तस्करा है और यह भी सूर्य नूह की तरह इस माना में है कि मुकम्मल सूरत यूसुफ यूसफल साम के तस्करे पर मुश्तमिल है सूरह यूसुफ में यूसुफ यूसफ्लम के अलावा और दूसरी किसी चीज़ का तस्करा नहीं अखीर में सूरह यूसुफ जब ख़त्म होती तो कुछ है कुछ चीज़ें हैं वरना मुकम्मल सूरह यूसुफ़ यूसुफ यूसफ्लम के तस्करे पर मुश्तमल है और इस जमीन एक बात आई जब यूसुफ और सूरह यूसुफ़ की बात आई तो बाज़ बाद ने इस सूरत से एक हज़ार से ज़ायद मसले मुस्तनबत किए सूरह यूसुफ से बाज़ बाद ने एक हज़ार से ज़ायद मसले मुस्तनबत किए उस पर किताब लिखी है एक मुस्तकिल किताब मुकम्मल एक किताब सूर यूसुफ के फ़वाद पर लिखी गई है चूँकि कुरान सिर्फ़ तिलावत की किताब नहीं है कुरान तिलावत के साथ इबादत भी है उसके साथ तज्र भी है उसमें इबरत भी है नसीहत भी है और फ़वाद भी हैं वो फ़वाद हासिल करके हमको अपनी ज़िंदगी में अपनी हयात में अपनी लाइफ में किस तरह अप्लाई करना है ये असल है तो सूर यूसुफ बहुत ही अजीम सूरत इस मानने में है उससे बाद ने इस पर मुस्तकिल यानी मुकम्मल सूर यूसुफ की तफसीर पर एक किताब लिखी और उससे सिर्फ फवायद का इस्तेमाल किया कितने फवाद एक हज़ार फवाद एक हजार फवाद हाँ यूसुफ के अलावा और कोई सूरत सूरह मोहम्मद सूर मोहम्मद ये छब्बीसवें पारे में मेगा सूरह मोहम्मद में भी मोहम्मद का तस्करा पूरी सूरत में नहीं है इब्तदा की चंद आयतें हैं सिर्फ दो सूरतें मुझे ऐसी मिली एक सूर नूह और दूसरी सूरत यूसुफ जिसमें मुकम्मल उनका तस्करा है सुरह नूह में मुकम्मल नूह अली सलाम का तस्करा यूसुफ में मुकम्मल यूसुफ सलाम का तस्करा ये एक अलग नाइया हुआ अब आते हैं नू सलाम से मतलब कुछ चीज़ें नू सलाम को सबसे पहला रसूल कहा गया है सबसे पहले रसूल जो इस दुनिया में आए वो कौन है सलाम नू अ सलाम सबसे पहले रसूल है अव्वल रसूल कहा गया हदीस में कुरान की भी कुछ आयतें इसकी तायद करती हैं सुरह नसा की एक आयत है इनाग कमाई न एलाम्बादी सुर ना की आयत की यकीनन ए नबी हमने आप की जानब वही की जिस तरह हमने नू सलाम और नूह के बाद अम्बिया कराम को वही की आयत का मफाद क्या है आयत का मफहम क्या है आप सल्ला को खिताब है कि ए नबी मोहम्मद सल्लाम हमने आप की जानिब उसी तरह वही की जिस तरह हमने नू और नू के बाद आने वाले अम्बिया कराम को वही की इस आयत से क्या समझ में आता है जो भी अम्बिया कराम आए नूह से पहले आए या बाद में बाद में, में आए क्योंकि लफ्ज़ क्या कह रहा है कुरान का व नबी ई इसलिए कुरान जो है ना ये इस्तम की चीज़ है इस्तमात करके उससे फ़वाद का अखज़ करना और अपनी ज़िंदगी में उसकी तदबीक करना अप्लाई करना नाफिज़ करना अपनी ज़िंदगी में आप कोई दूसरी चीज़ लेते कुरान या हदीस के अलावा तो आप उसके लफ्ज़ से डायरेक्ट मसले का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्यों हो सकता कोई दूसरा मुराद ले रहा हो लेकिन कुरान का हर हर लफ्ज उसे आप मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह ने यह कहा तो इस लफ्ज का यह मफूम है इसका मफूम मुखालिफ मतलब यह मतलब है यह मतलब नहीं है जब यह कहा कि बादी ही बादी ही नूह के बाद मतलब क्या हुआ नूह से पहले है कि नहीं जब यह कहा नबी बाद नूह के बाद अंबिया को या नूह के बाद आने वाले अंबिया के को वही की तो मतलब क्या हुआ कि नूह से पहले रसूल आए कि नहीं नहीं आए समझ में आई ये बात सलाम सबसे पहले रसूल हैं। कई सलमान सबाद किया है उनमें से एक दलील सुरह निसा की आयत है व नबीबादी इसी तरह सुरह हदीद, सुरह हदीद का आखिरी रुकू जिसमें अल्लाह तबारा कहते हैं वक़द अर इब्राहिम वज्ला किताब दो नबियों का इस सूरत में तस्करा है सुरहदीद में कि हमने नूह और इब्राहिम को रसूल बनाकर भेजा किन किन का तस्करा है सुरहदीत की शायद में नूह और इब्राहिम वलकद अरसलना नूहन व इब्राहिम हमने नूह और इब्राहिम को रसूल बनाकर भेजा आगे क्या अल्लाह व तआला करबारक वज्ला फिजुलतमत वल किताब और इन्हीं दोनों की जुर्रियत में किन दोनों की जुर्रियत में नूह और इब्राहिम क्या बनाया अल्लाह ने नबुवत और किताब यानी जो भी अंबिया के नाम आए वो नूह की नस्ल से होंगे या इब्राहिम की नस्ल से होंगे जिनको भी किताबें मिली वो या तो नूह की नस्ल से होंगे या इब्राहिम की नस्ल से होंगे इब्राहिम सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है जैसा कि मैंने इशारा किया और नू असलाम को क्या कहा जाता है आदम सानी आदम सानी पर इंशाला आगे गुफ्तु करेंगे तो जो भी अंबिया आए नू या इब्राहिम अली सलाम की जरूरत में से हैं यानी इब्राहिम से पहले कौन है इब्राहिम से पहले नू है या नू से पहले इब्राहिम है इब्राहिम से पहले कौन है नू है तो नूह से पहले कौन है कोई नहीं नू से पहले कोई नहीं है क्योंकि अल्लाह क्या फी फीजूरीतम वल किताब हमने किन की जरूरियत में तो और किताब बनाई नूह और इब्राहिम अब इस आयत को समझने में अगर कोई इश्काल हो तो सूरह नसा की आयत दोबारा पढ़ लें उन नबी इन अमीमादी व नबी इन अमीम बादी इन दो आयतों से ने सलाहतन ने इस दिल किया है कुछ चीज़ें मुझे इस चिंताजी तौर पर मिली कुरान को पढ़कर कुछ आयतों को जमा करके उनमें से एक ये है कि आप कुरान की सूरतों में जब अम्बिया कराम और उनकी कौमों के वाक़ात पढ़ेंगे तो बेशतर सूरतों में नूह अम और उनकी कौम का तस्करा सबसे पहले किया गया बेशतर सूरतों में तमाम मैं नहीं कह रहा हूँ अक्सर मोस्टली बेशतर सूरतों में अक्सर सूरतों में नू आ सलाम और उनकी कौम का तस्करा सबसे पहले किया गया कुरान की बहुत सारी सूरतों में अम्बिया कराम का तस्करा है सुर आराफ़ है सुरहद है सुर आराफ और सुरहद का अपना एक उसलूब है वाकयात को जिक्र करने में अम्बिया कराम का तस्करा करने में विला आदीन खादा वैला समुदा ख़ा साल वदीना ख़ाहम शुबा ये तबीर आपको मिलेगी कहाँ पर सुरः आरफ में और सुर हद में आराफ में और हुद में ये ताबीर सुर आराफ और हुद के अलावा आपको दूसरी सूरत में नहीं मिलेगी वही आदी खामा वही सामूदा खाम शोयबा क्या मफह है कौम आद की जानब हमने भेजा समूद की जानब मदीन की जानब वह मदीन की जानब शोब को भेजा इन सबसे पहले किसका तस्करा है आज से पहले नूह सुर आरब में भी देखेंगे आप और सुरउ में भी काफ हम देखते हैं काफ अक्सर जुमा को खतीब पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए बाद लोग इसमें कोताही करते हैं हालांकि आप देखेंगे सहाब कराम का मौकफ़ या सहाबियात का मौक़ और एक सहबियाँ तक कहती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जुमा के ख़ुतबे में सुरकाफ़ सुनकर कुरान मैंने याद कर लिया माखस्तकाफ अलनमजीदसा रसूलिलासम यक्रवाकुमोअन अलम्बर तो जुमे के ख़ुबे में सुरकाफ़ का पढ़ना मसनून है और ये जो हदीस मन ज़िक्र की इससे सहाबियात के हफ् और हफ्ज़ की सूरात या हिफ़्ज़ के मजबूती हिफ़ की पुख्तगी की जानी बेचारा है कि कितनी जल्दी वो लोग लो हिफ़ कर लिया करते थे और सुरकाफ का पढ़ना भी खुतबे में मसनून है सुरकाफ़ में कई अंबिया उनकी कॉमों का तस्करा इन्होंने जुटलाया इस कौम ने इसको जुटलाया सबसे पहले किसका तस्करा है करजबद कबल हूँ जुमे आपको सुनते हैं जुमे के खुदबे में करजत सबसे पहले जो महल शाहिद मेरा क्या है सबसे पहले किस कौम का तस्करा है नौम नूह का तस्कर इससे पहले कौम नूह ने जुटलाया नू इसके बाद उन लोगों का तस्कर आद समुलरस असाबल का तो जो अकवाम का तस्करा है अंबिया के कॉमों का है, में, सबसे पहले किस कौम का तस्करा है नू का और बहुत सारी जगहों पर तई अंबिया कराम उनके कौमों का तस्करा कहते हैं कि लोग झुठलाये लोग झुठलाए लो वहाँ भी सबसे पहले नू असलम का तस्करा है अबना सबसे पहले नू वाम की कौम ने नूलम को झुटलाया हमारे बंद यानी नू को झुटलाया उसके बाद और दिगर कौमों का तस्करा है लेकिन सबसे पहले किसका तस्करा है नू वही सलाम का इसका एक दूसरा मफहम ये तो मैंने ये बताया कि जहाँ ये बेशतर मकाम पर अक्सर मैंने नहीं कहा बेशतर मकाम पर बेशतर सूरतों में अंबिया कराम उनकी कौमों का तस्करा हुआ है तो कौम नू का तस्करा पहले हुआ या नू आ सलाम का तस्करा पहले हुआ है दो सूरतें ऐसी मिली मुझे कुरान में जहाँ नू वाल सलाम और उनकी कौम का तस्करा आखिर में हुआ है नू वाल उनकी कौम का तस्करा आखिर में हुआ जिक्र के एतबार से आखिर में जिक्र किया गया लेकिन क्या कहा गया कि इन सबसे पहले कौम नू थी या इन सबसे पहले कौम नू ने या इन सबसे पहले अल्लाह ने कौम नू को हलाक कर दिया सूर्य जारियात सूर नजम सुर जारियात सूर्य नज्म दोनों के अल्फाज एक जैसे हैं वको मनोहि मिन कबल क्या लफ्ज है वकौ मनोहिम मिन कबल इन सब कौमों से पहले कौम नूह ने झुटलाया या इन सब से पहले कौम नूह को कौ अल्लाह ने हलाक कर दिया असुर नज में और इजाफा है कि इन हम कानू हम अजलमा व अतगा इन हम कानू हम अजलमा व अतगा ये कौम नूह बड़े ही ज़ालिम लोग थे और बड़े ही सरकस लोग थे तो इन सब का खुलासा क्या निकला कि नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं देखिए सूर्य नसा की याद बताई गई आपको सुर हदीद की याद बताई गई और जो मैंने बताया कि बेशर सूरतों में नूह सलाम और उनकी कौम का तस्करा सबसे पहले है दो सूरत मैंने बताया सूरह जारियात और सूरह नज्म वहां कौम नूह का तस्करा बाद में किया गया लेकिन लफ्ज क्या लगाया गया मिन कबल तस्करा उनका बाद में हो रहा है लेकिन क्या कहा जाए वो भाई सबसे पहले आए थे कोई भाई मजलिस में सबसे पहले आए लेकिन जिक्र करने में उनको हम बाद में जिक्र करें तो उनके नाम के साथ क्या ऐड कर दें ये भाई सबसे पहले आए थे तो क्या कहा गया सुरैन नजारियात में सुरैन अजमे में वकौ वको मिन कबल इन सबसे पहले कौमिन को अल्लाह ने हलाक कर दिया या कौमिन ने तकजीब की अम्बिया कराम की हदीस में एक हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में बुखारी और मुस्लिम दोनों में जब हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में तो क्या कहते हैं उसको सही है कहते हैं या एक दूसरा लफ्ज़ लफ्जमसर कहते हैं मुतफ़ा मुतफ़ा अलह यानी वो हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में शिफात की लंबी हदीस है लोग शिफात के लिए नू अलीसलाम के पास आएंगे तो क्या कहेंगे अंत अवल अंत अवल आप सबसे पहले रसूल हैं जमीन वालों की जानब यानी आप सबसे पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर जमीन में भेजा यानी नू असलाम के सबसे पहले रसूल होने पर लफजन और सराहतन ये नसे। और बाकी जो आयतम बताया जिससे बेशर सूरतों में कौम नू और नू अली का तस्करा पहले है और जहां जिस सूरत में बाद में किया गया है तो वहां मिन कबलो लगाया गया एक अहम चीज यह नू असलाम की जिंदगी में यह भी कि नू असलाम को क्या कहा जाता है आदमे आदम सानी क्या कहा जाता है सलाम को आदम सानी सिर साफात में कहा थे वजह अल्ला जुर्री यत हुमुल बाकिन वजह अल्ला जुर्री यत हुमुल बाकिन हमने उनकी जरूरीत को यानी नू सलाम की जरूरीत को ही बाकी रहने वाला बनाया है नू आलाम की जरूरीत को ही हमने बाकी रखा किस तरह नू आलाम की जरूरीत बाकी रही क्योंकि जो अजाब आया किस चीज का अजाब आया था पानी का दबाया नीचे से पानी उबला ऊपर से पानी बरसा जिसके नतीजे में वो तमाम लोग गर्क हो गए जो ईमान नहीं लाए थे चाहे उनका बेटा हो या उनकी यानी नूसलम का चाहे बेटा हो या नूसलम की बीवी तो वही लोग बाकी बचे जो नू सलाम की कश्ती में सवार थे नू आम की कश्ती में जो सवार थे वो लोग बाकी बचे बाकी सब लोग डूब गए गर्क आब हो गए अल्लाह ने उनको डुबो दिया तो उन्हीं से दोबारा नस्ल चली इसलिए कुरान ने कहा वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़िन नूह अलैहि सलाम की ज़ुर्रियत को ही हमने बाकी रखा इसलिए नूह अलैहि सलाम को क्या कहा जाता है आदम सानी जो लोग नूह अलैहि सलाम की कश्ती में सवार हुए वही लोग बाकी बचे बाकी लोग डूब गए यहाँ पर नूह अलैहि सलाम की कश्ती से उलमा ने मिसाल दी किस चीज की सलाम की कश्ती से उमा ने एक चीज की मिसाल दी दीमा सलफ ने हाँ सुन्नत सुन्नत की मिसाल ने किस चीज से दी है नू सलाम की कश्ती से सुन्नत की मिसाल सलफ ने किससे दी है नू सलाम की कश्ती से क्या कहते हैं सुन्नत तो नू सुन्नत जो है नू सलाम की कश्ती की मानिंद है मन रकीबा नजा जो इस कश्ती में यानी सुन्नत की कश्ती में जो सवार हो गया वो निजात पा गया गयात वो इस कश्ती से सुन्नत की कश्ती से जो पीछे रह गया सुन्नत की कश्ती में जो सवार नहीं हुआ वो क्या होया हलक या, या गर्क वो गर्क हो गया तो सुन्नत की मिसाल एक प्रैक्टिकली तौर पर अमली तौर पर समझाने के लिए जिस तरह नूह नू सलाम की कश्ती में जो लोग सवार हुए वही बाकी बचे इसी तरह सुन्नत को जो अपनाएगा सुन्नत वाली कश्ती में जो सवार होगा वही नजात पाएगा जो सुन्नत वाली कश्ती से एराज करेगा उससे पीछे रह जाएगा वो निजात नहीं पाएगा बल्कि हलाक हो जाएगा गर कयाब हो जाएगा जिस तरह वो लोग गर क्याब हो गए जो नू सलाम की कश्ती में सवार नहीं हुए चाहे घर चाहे वो सलाम का बेटा था या नू सलाम की बीवी थी नू सलाम को अल्लाह तबारक तला ने उलम रसूलों में से कहा है उल रसूलों में से कहाजम का, का मतलब क्या होता है अजीमत वाले अज्म हिम्मत वाले बुलंद हौसला वाले उदुलआज़्मसूल कितने हैं पांच। नाम तो मालूम से लोगों को नू इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्लाम नू इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्ला वल्लम यह है उजम रसूल उलम रसूल यही है इसका तस्करा कुरान में सराहत के साथ नहीं है

पांच अंबिया के नाम का तस्कर ने किया नू इब्राहिम मूसा ईसा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने इन तमाम की जानब वही की कि अन अकीमुद्दीन दीन को कायम करो दीन पर कायम रहो वला तफर रकु फी और इसमें तफरिका ना फैलाओ इख्तलाफ ना करो उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो इस आयत को समझने के लिए वो दूसरी आयत आप मिला लेंगे वसम जमी वला तफर रकू या व अनु मुस्तकीमा पत् तबियू वला ततबुस सबुल ये मेरा सीधा रास्ता है उस सीधे रास्ते की इत्तबा करो और आजूबाजू दाएं बाएं जो टेढ़े रास्ते हैं जो शैतानी रास्ते हैं उनसे बचो तो उलुल अजम रसूल कितने हैं नू इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नू अलैहि सलाम उलुल अजम रसूलों में से एक है और मैं बताया कि उलुल अजम रसूल यही हैं ये कुरान में सराहतन नहीं दो सूरतों में सुरह में और सुरह शुरा में इनका तस्कर इस से इससे बात किया किए रसूलों में से सलाम एक लंबी मुद्दत तक अपनी कौम में दावत तबलीग का काम करते रहे कितनी मुद्दत है वो साढ़े नौ सौ साल नौ सौ पचास साल सुरन कबूत की आयत है नौ सौ पचास साल अपनी कौम में दावत तबलीग का का काम करते रहे बहुत लंबी मुद्दत है, बहुत लंबी मुद्दत हम और आप अपनी उम्र से अगर अंदाजा लगाएं, तो हमारी दस नस्ल चली जाएगी कम से कम हमारी दस नस्ल चली जाएगी इतनी मुद्दत तक नूह सलाम दावत तबलीग का का काम करते रहे और एक चीज ये भी इस आयत में सुरैन कबूत की इस आयत में कि किसी नबी या किसी इंसान की उम्र कसरत यानी कोई नबी या कोई इंसान कितनी उम्र जिंदा रहा सबसे बड़ी उम्र ये नू असलम की उम्र मिलती है साढ़े नौ सौ साल रहकर व तबलीग का काम करना नू असलम के अलावा किसी दूसरे की उम्र या किसी दूसरे आदमी की उम्र या किसी दूसरे नबी की उम्र के बारे में ये नहीं बताया गया इससे ज्यादा दूसरे कुछ वाकत हैं जैसे असाबिक का है कितने दिनों तक तो सोते रहे लेकिन साढ़े नौ सौ साल के साथ किसी दूसरे नबी या किसी दूसरे कौम या किसी दूसरे इंसान के बारे में नुसूस में नहीं मिलता कि वो इतने दिन तक जिंदा रहे यानी कसरत उम्र जो मिली किनको मिली नूसलम को फलब सफीम अलफनत खमसी नामन साढ़े नौ सौ साल इस उम्र में क्या करते रहे नूसलम अपनी कौम में दावत व तबलीग का काम करते रहे दावत देते रहे उनको सुबह शाम दिनों रात दिन में भी दावत का काम किया रात में भी दावत का काम किया दिन में भी लोगों को दावत दी रात में भी दावत दी सू की आवाज पढ़े इनकी दावत कौमी व अये मेरे रब मैंने अपनी कौम को दिन में भी दावत दी रात में भी दावत दी क्या समझ में आता है इसे वो अपने मिशन में लगे रहे नूअलीसम इतनी लंबी मुद्दत साढ़े नौ सौ साल दिन में भी दावत का काम करना रात में भी दावत का काम करना और मतदीद उसलूब इख्तियार करना दावत दी, री मतम समझते हैं सब लोग, खुफिया दावत सिकरेट दावत जो दाई जानता और मधु जानता है खुले आम नहीं खुले आम मजलिस नहीं लगाई एक तरीका यह अपना है सररी दावत खुफिया दावत सिकरेट दावत जो सिर्फ दाई और मधु के दरमियान होती तीसरा कोई नहीं जानता है जहरी दावत दी अलानिया दावत भी दी सुरनु की बात पढ़े सुबह इन्नी दाओ तोहारा सुबह इन्नी आलम तो लहुम वह इसरारा यानी मैं ने जहरी दावत भी दी और सिर दावत भी दी सरी दावत देखें अंबिया के राम हाँ, के यहां नू असलम के यहां और हमारे नबी जना मोहम्मद जनाब महम्मद रसुल्ला के यहाँ भी खासतौर पर मक्की जिंदगी के जो इब्तदाई हैं ढाई से तीन साल का जो वक्फा वो किस दावत पर मुश्तमिल था मक्की जिंदगी का इब्तदाई जमाना जो ढाई से तीन साल तक का होता है वो दावत के किस मरहले पर मुश्तमिल सिर दावत जिसका मरकज जिसका सेंटर क्या था ये सिर दावत कहां पर होती थी दार अरकम लोग छुप छुपा कर वहां जाते थे जो नए मुसलमान होते वहां दीन सीखते या जो दीन सीखने वाले हो, होते उनको वहां पर बुलाया जाता इनफरादी तौर पर सिर तौर पर खुफिया तौर पर यह दावत होती सिरदी तौर पर लोग बहुत कम एक दूसरे को जानते और इस चीज का प्रचार नहीं था इन्नी दाओमी ललम वनः हारा फिर सुम्मा इन्नी दाव ज हारा सुबह इन्नी आलन तो लहम व असर तो लहुम इसरारा खुफिया तौर पर और ये चीज़ बड़ी अहम है आप दावत के मकासद के तौर पर देखें दावत हमारी कारगर हो दावत हमारी मुफ़ी हो तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह अलानिया मजलिस हो कभी कभी ये सिर दावत इनफरादी दावत या आज के ज़माने में कह सकते हैं डोर टू डोर दावत जिसमें सिर्फ दाई और मधु आपस में एक दूसरे से मिले कभी कभी ये चीज़ बहुत ही कारगर और मुफीद होती है नू सलाम ने यह भी किया सीधी दावत भी की और जहरी दावत भी की और जो भी असालिब हो सकते हैं दावत के तरगीब देना तरहीब करना तरगीब का मतलब होता है आप उनको रगबत दिलाएं रब के जन्नत की रब के इनाम की रब के इकराम की रब के बख्शिश की रब के जन्नत की ये उसलूब भी नू ने इख्तियार किया कहाँ पर यह उसलूब है में कहते हैं इन नजीर मुबीन अने बुदुल्ला तको फिर क्या उसके बाद यगफिर लकुम यग़फिर लकुम मिन जुनू अल्लाह की इबादत करो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो मेरी इताअत करो वही कहने मेरी इताअत करो नतीजे में क्या होगा यगफिर लकुम मीन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे तो ये जो कहने तुम ये काम करो अल्लाह की इबादत करो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो यग़फिर लकुम मिन बिकम अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा ये कौन सा उसुल है ये उसुलूब कौन सा है जैसे आप किसी से कहें आप नेक काम कीजिए नमाज पढ़ी रोजा रखिए अल्लाह आपको जन्नत देगा ये कौन सा उसलू हुआ ये तरगीब का उसलू हुआ जैसे आप अपने घर पर अपने बेटे को कहें बेटा आप सुरकाफ याद कर लो मैं आपको एक हजार रुपया दूंगा ये कौन सा उसलू हुआ तरगीब का उसलूब आप तरगीब दिला रहे हैं या इम्तिहान का उगताया आप बोले बेटा आप फर्श लाकर दिखाओ मैं आपको इतने हजार रुपए इनाम दूंगा ये कौन सा हुआ

जो गुनाह तुमसे हुए उस गुनाह की माफी चाहो नतीजे में क्या होगा क्यों ऐसा करो इन ना गफ्फार क्योंकि अल्लाह गफ्फार है अपने रब से गुनाहों की मगफरत चाहो क्यों ऐसा करो क्योंकि तुम्हारा रब गफ्फार है हमारे यहां एक हलल पाई जाती है इस मफहूम को समझने में रब के लिए गफ्फार और गफूर दोनों सेगे इस्तेमाल हो कुरान में और ये दोनों मुबालगा के सेगे जो नौ को या अरबी ग्रामर को समझते समझते होंगे कि ये मुबालगा गफ्फार और गफूर दोनों में मुबालगा कसे जिसका मतलब क्या होता है माफ करने वाला नहीं बहुत ज्यादा माफ करने वाला बहुत ज्यादा माफ करने वाला हर छोटे बड़े गुनाह को माफ करने वाला जिसने बहुत सारे गुनाह किए उसको भी उसको भी गफ्फार और गफूर का मुर्दे में अगर तर्जमा करते माफ करने वाला थे तर्जमा सही नहीं क्यों? कि गफ्फार या गफूर क्या है मुबालगा कसेगा अल्लाह हर गुना को माफ करने वाला है आप मकफिरत तलब करें आप बख्शिश तलब करें अल्लाह माफ़ करने वाला है सुरे की एक आयत इस बारे में बहुत मशहूर है या इबादी ला तक इन फिर जनूबा जमिया किन को खिताब है नेक लोगों को नहीं या इबादी अशरफु अलासेन बड़ी अहम आयती है खासतौर पर जो गुनाह में मुलविस so, जो गुनाह करते रहते हैं जो गुनाह कर लिया नहीं अल्फाज मेरे गौर करें जो गुनाह कर लिया उसको नहीं जो गुनाह करते रहते हैं, उनको खिताब है रब इबाद कह रहा है या इबादी या इबादी जैसे आप अपने घर पर देखें आपका बच्चा नाफरमानी कर रहा है सरकशी कर रहा है तो कभी आप उसको नाम से बुलाते हैं लाट लेकिन जब सरकशी पर सरकशी करते जाता है तो आप अलग अंदाज से बुलाते हैं लेकिन रब यहाँ जो नाफरमानी पर नाफरमानी करते जा रहा है उसको भी क्या कह रहा है या इबादी ये रब की सिफत रहमत यहां गालिब है। या गालिब या एबाद लजीन अशरफ वालानसैन मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है ला तकमत अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो ना नाउमीद ना हो क्यों हदीस में कहा गया रब की रहमत उसके गजब पर गालिब इन नहमती सबकत गजबी फिर आगे क्या कहा गया जनू ब जमिया आप अगर पर गौर करें जुनूब जमा है फिर उसके ताकिल तमाम को देता है। तलब करो में तरगीब का करें। अब को पर आते हैं। सारे गुनाहों को बख्श देने वाला है हमारे यहाँ दूसरी कोताही क्या होती है हम ये समझते हैं कि हम गुनाह करते रहे रब माफ कर देने वाला नहीं ये चीज थोड़ा सा समझने की है हम गुनाह करते हैं गुनाह बाद में भी हमसे सरदर्द होगा, लेकिन गुनाह करने के बाद हमारा क्या मौकफ होना चाहिए गुनाह करने के बाद हमारा क्या मौकफ होना चाहिए तौबा करना हम गुनाहों से मुबर्रा नहीं है ना तो हो सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं हम गुनाहों से मुबर्रा ना तो हैं, ना हो सकते लेकिन गुनाह के बाद हमारा मौकफ क्या होना चाहिए तबा तो होना चाहिए और जो सूरज उम्र की याद बताएगी उसको आप समझें इस सिलसिले में दो मौकफ़ गुनाह के बाद हमारा क्या मौकफ होना चाहिए एक तो आदम आदमी का मौकफ़ और एक अल्लाह के नेक बंदोमत्तकियों का जो मौक़ बताया कुरान ने उसको मैं बताना चाहता हूँ आदमी को अल्लाह ने मना किया था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना वाला तक रहा शजरा उस दरख्त के पास नहीं जाना लेकिन इबलीस ने बहला फुसला कर उस दरख्त का फल खिला दिया गलती हो गई रब की नाफरमानी हुई आदम आदमी से वह आदम फा फिर क्या किया आदम आदमी ने रब गफ्फार और गफ़ू है गुनाह करके खामोश रहे क्या किया अपने ओ अपने गुनाह पर नादिम हुए और रब से मगफरत तलब की जो कलिमत अल्लाह ने सीखे जिसका तस्करा दूसरी याद फ़तल का रब ही कलिमत और उसकी तफसीर दूसरी याद में रब बना ज़ुलना अनफुसना अपने जुल्म और अपने गुनाह का अतराफ़ फिर क्या कहते हैं विलम तगफी व तरह हमना लनकून नास अगर रब आपने हमारी बख्शिश नहीं की हम पर रहम नहीं किया तो क्या होगा हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे तो ये हमारा जो मौकफ़ होना चाहिए नूसलम की जिंदगी से उनकी दावती जिंदगी से हमें जो ये पैगाम मिलता है हम बहसीत इंसान हम गलती से या गुनाह से मुबर्रा नहीं है ना हम इससे मुबर्रा हो सकते हैं लेकिन गुनाह के बाद हमारा मौकफ़ क्या होना चाहिए हम गुनाह करने के बाद रब की बारगाह में तोबा करें जैसा हमारे

वो मगफिरत तलब करते हैं गुनाह करने के बाद ऐसा नहीं हो जाता गुनाह पर अड़े रह जाते हैं दूसरा गुनाह करते हैं नहीं क्या मतलब का अपने गुनाहों की मगफरत तलब करते हैं बख्शिश तलब करते हैं किसे अल्लाह से फिर आयत में कहा जा रहा है उमय फिर ये बहुत ही रजा और उम्मीद वाली बात कही जा रही है आपने जो भी गुनाह किया इस गुनाह को बख्शने वाला कौन है अल्लाह उमय फिर इसलिए हमें दुआ सिखलाई गई सुबह शाम के अजकार में एक दुआ सिखाई गई जिसको कहा जाता है सैदुलस्तफ़ार अक्सर लोग जानते होंगे या जो नहीं जानते हैं वो सईदल इस्तफ़ार याद कर लें सुबह शाम की दुआ में बहुत सारी दुआ उसमें सईदलफ़ार भी है अल्लाबी इलात ख़लब तनी वाना अब्दुब वाना अलादिका विका मस्तात अज़ब कमिन शर्री मा सनात अबू वाल का बिन मत का अलया व अबूल का बिज़म्बी फ़ग फिरली फिर बंत इससे मिलती जुलती जो दुआ जो हम तशुद में पढ़ते हैं जिसके रावी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्मी ता नफ़ी कसीरा उबिल् अंत फग फिरली मकफ फिर ली का ये भी उसी जैसी है लेकिन सयदुल इस्तफ़ार जिसको कहा गया जो मैं अभी पढ़ा जो सुबह शाम की दुआ में है तो फिर फिरबुम ये उसलूब बता रहा था मैं मनू साम का कौन सा उसलूब है ये तरगीब का आप ऐसा करेंगे तरफ ये इनाम देगा आप मगफरत तलब करेंगे तो क्या होगा आगे तकरीबन चार चीज़ें बयान की जाने पहली चीज़ क्या बताई जा, जा रही है युर सलीसम मदरारा अल्लाह बारिश बरसाएगा मसलाधार बारिश बरसाएगा यु मदरारा दूसरी चीज़ बताई जा रही है वाल व बनी माल और औलाद से अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा जिसको हर इंसान की जरूरत है माल और औलाद की हर इंसान को जरूरत है और क्या कहा जाए वैजाकुम जन्नातीजा कुमनारा और अल्लाह तुम्हारे लिए बागत बनाएगा और नहरे बनाएगा यह आज जो है सुरनु की इसत फेरू अब्बकूम बाज़लम सलफ ने इसे बड़े अहम पॉइंट की बात बताई है किसी आलिम के पास लोग मुतद तरह की शिकायत लेकर आए कि हमारी ये परेशानी है ये परेशानी ये परेशानी है और सबका उन्होंने इलाज क्या बताया इस्तफार किस तरह आए इससे देखने अभी सलाम ने जो ये तरगीब का उसलूब इख्तियार किया उसको हम अपनी जिंदगी में किस तरह बरत सकते हैं मिसाल के तौर पर पहली चीज या पहला फायदा बताया सलाम ने यूर समा नू क्या मतलब इसका अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगी किसके नतीजे में इस्तफफार के नतीजे में बारिश नहीं हो रही आकर किसी ने शिकायत की किसी आलिम के पास तो उन्होंने क्या कहा इस्तफार करो दलील सुरू की आय इस तंग फिरबकुमान गफ्फारा अलैकुम मिदरारा आगे जो बात वहीदुदुद कुम बेवाल किसी ने फख्र की शिकायत की गुरबत की शिकायत की मोहताजगी की शिकायत की तो क्या इलाज बताया इस्तिगफार करो क्यों अल्लाह क्या कह रहे हैं वहीदिद ये उलमा का इस्तिदलाल का तरीका है अल्लाह ने कहा इस तंग जजा में क्या बताया वही उमदीद कुम्भ अमवाल सिर्फ अमवाल का है अल्लाह ने क्या कहा अमवाल जो मुफरत है या जमा जो लोग अरबी समझते होंगे कुछ अमवाल क्या है माल की जमा अमवाल है अल्लाह मालों से तुम्हारी मदद करेगा वह युद्ध कुंभ अमवाल किसके नतीजे में इस्तिगफार के नतीजे में फिर आगे क्या है वह बनीन बेटों से अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा किसी ने शिकायत की औलाद नहीं हो रही इलाज क्या बताया इस्तिगफार करो क्यों अल्लाह ने कहा रब्बकुम कहांब अमाली वो बनी खुशहाल जिंदगी चाहिए यही उसलूब बताया यही इलाज बताया इस तक फिर के तरीके इस्तेम्बात है कुरान की आयतों को पढ़ करके उससे किस तरह मसाइल का इस्तेमाल किया जाए किस तरह फवायद का इस्तराज किया जाए और उसको फिर अपनी हयात में अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई किया जाए ये उसलूब क्या था नूअसल का तरगीब का उसलूब था यह उसलूब आप भी अपने घर पर अख्तियार करके देख सकते हैं कई आम चल रहे आप बोले बेटा फर्स्ट आओ अपनी क्लास में आपका बच्चा हिफ कर रहा है आप बोलिए दस सूरत याद 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 करके 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 आओ कर आओ कर आओ काफ रहमान मैं आओ। इतना इनाम दूंगा ये कौन सा उसलूब होगा तरगीब का उसलूब होगा एक दूसरा किया ने जो इसका अपोजिट है क्या कहते हैं उसको तरगीब का अपोजिट तरगीब का जिद डराना तरहीब का उसलूब डराना किस चीज से अजाब से अल्लाह के गजब से अल्लाह के पकड़ से बदशे सदीद से

जैसे हम पिकनिक पर जाने वाले हैं अगर आपने फर्स्ट नहीं लाए या आपने कोई शर तरह की सुरकाफ नहीं याद किए सूर्य सुरान नहीं याद किए सुर नहीं याद किए तो मैं आपको पिकनिक पर नहीं ले जाऊंगा यह कौन सा उसलू होगा ये तरहीब का उसलूब होगा डराने का उसलूब होगा यह उसलूब भी नू आम ने इख्तियार किया अपनी कौम के लिए ये सारी चीजें तकरीबन तीन चार पॉइंट हुए सलाम की हयात खिदमत से कि उन्होंने दिन में भी दावत का काम किया रात में भी दावत का काम किया सिद्धि दावत की यानी सिकरेट दावत की जहरी अलानिया दावत की जो उसलूब हो सकते थे तरगीब का उसलूब इख्तियार किया लेकिन इन सब के नतीजे में उनके कौम का इस्तिजवाब या उनके कौम का जवाब रद्द अमल रिएक्शन क्या रहा सुरु में तबारक कहते हैं फलम यजिदाईला फरारा फलम यजीद फरारा जिस कदर अलैहि सलाम बुलाते रहे उस कदर वो भागते रहे या जितना बुलाते रहे उतना वो लोग भागते रहे इसमें हमारे लिए क्या नसीहत है हमको अल्लाह के करीब आना है अल्लाह की तरफ भाग कर आना है अल्लाह की दीन की तरफ भाग के आना है अल्लाह की शरीयत की तरफ भाग के आना है अल्लाह के दीन से नहीं भागना है अल्लाह की शरीयत से नहीं भागना है ये उसूफ किन का है ये तरीका किन का है ये कोम नू का नूह अलैहि सलाम नबी होकर दावत देना और वो लो लोग भाग रहे फलम यदिदम दुआ इल्ला आला तो हमको अल्लाह के दीन के अल्लाह के शरीयत के अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के करीब आना है ये चीज बताई गई दूसरी जगहों पर कुरान में फिर पफीर इल्लाह हमको कहां भागने का हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ भागो अल्लाह की तरफ लपको अल्लाह की तरफ पलटो क्योंकि अल्लाह ही क्या है अल्लाह ही हक है महबूद बरह कौन है अल्लाह ही है अल्लाह के अलावा जितने लोगों की बात की जाती है वो सब क्या है बातिल है वो सब बातिल इसलिए हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मबूदा ने बातिल महबूद बरहक कौन है अल्लाह अल्लाह के अलावा जितने लोगों की भी इबादत की जाती है अदद से कितने भी अदद हो सकती है कौन कौन भी हो सकते हैं नाम लेने की जरूरत वो सब के सब मबूदा ने बातलाक व नमायद न बातिल अल्लाह ही हक है अल्लाह के अलावा जितने लोगों को लोग पुकारते हैं जितने लोगों को इबादत करते हैं वो सब क्या है बातिल तजुद की नमाज में आप सल्लम बेदार होते थे तो ये दुआ पढ़ते अल्लाह मानतल हक व लिखा का हक व का हक हक अल्लाह के मतलब बेशतर चीज़ों में आपने हक कहा अल्लाह तू हक है ते तेरा वादा हक है तेरी मुलाकात हक है तेरी जन्नत है ते क्या मत तो हक है तो अल्लाह हक है अल्लाह के अलावा जितने मबूदा बातिला हैं जिनको भी लोग पुकारते हैं वो सब के सब ताबुत हैं और बातिल है। तो हमको लौटना अल्लाह की तरफ अल्लाह के दिन की तरफ अल्लाह की शरीय की तरफ अल्लाह का पसंदीदा दिन क्या है इस्लामी ने हिंदा इस्लाम हमको लौटना अल्लाह की तरफ अल्लाह अल्ला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ क्योंकि उसके अलावा जो भी अधियान है जो भी मजाइब हैं जो भी अफकार हैं जो भी फिक्र हो सकती इस्लाम के खिलाफ वो सारी की सारी फिक्र क्या है काबिल कबूल नहीं है वो मैं दीन फल युकबल यहां पर इस्लाम के तलुक़ तीन चीज़ें बहुत आम हैं एक तो यही मकबूल दिन है इस्लाम और इस्लाम ही अल्लाह का पसंदीदा दीन है वह रजीतलकमल इस्लाम दीना तीसरी चीज क्या है जब ये अल्लाह का पसंदीदा दिन है अल्लाह का मकबूल दिन है इसके अलावा जो कोई दूसरा दिन इख्तियार करेगा तो मकबूल नहीं होगा वह मैय तगे दीनन फलै फलाक बलिनो ये जो उसम फलाक बल मिनो ये ऐसा नहीं कि कबूल नहीं होगा नहीं ये उसलू नहीं है ये लन ताकीद के लिए आता अरबी में फल युक बल मिनो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा दोनों में फर्क है जैसे कोई भाई अभी देर से आए कोई बच्चा आए मैं बोलो अभी दर से में नहीं आओ एक उसलूब यह हरगिज दर्स में नहीं आओ दोनों सेलूम में फर्क है यहां क्या कहा जा रहा है फल फलो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा उससे तो नू अली सलाम अपनी कौम को जिस कदर बुलाते रहे उनकी कौम उससे उतना ही भागती रही फलम दवाई फिर हमसे क्या मतलूब है हमको लौटना है अल्लाह की तरफ अल्लाह के शरीयत की तरफ अल्लाह के दीन की तरफ जैसा कि अल्लाह ने कहा फफिरुरह और यह कौम बड़ी सरकस कौम थी नू अली सलाम की कौम जैसा कि मैं बताया सूर्य नजु में अल्लाह ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए इनके लिए इनकान अज़लम व अत बड़े ही जालिम थे ये सिर्फ जालिम नहीं क्योंकि आ, इसमें तफजील का ऐसेगा जो मुबालगा के लिए भी इस्तेमाल होता है बड़े ही जालिम थे और बड़े ही सरकस थे सरकस का इन दोनों लफ्ज को अगर हम अकीदे के एतबार से शर्य करें तो एक दूसरा दर्श हो जाएगा यहीं से इतना ही बताते हैं कि अल्लाह ने इनके दो लफ्ज इस्तेमाल किए इम कानू हम म व अतगा नूअली सलाम जब इनको बुलाते थे ये क्या करते थे इनकी कौम क्या करते थे कानों में उंगलियां डाल लेते थे नूअली दावत दे रहे हैं वो लोग भाग जा एक मौके तो उनका यह था कानों में उंगलियां डाल लेते अपने चेहरे को छुपा लेते या पूरी बदन पर कपड़े डाल लेते जयलू असाब फी आजान सोबनु अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल लेते और अपने चेहरे पर या पूरी बदन को कपड़े से छुपा लेते क्यों ताकि नूह नू सलाम की सदाए हक दावत तोहहीद उनके कानों में ना पड़े ये यह अहलेबातिल के मौकफ़ रहा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी देखें लोग क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे और दुश्मनान क्या करते थे शोर गोगा करते थे अल्लाह ने कहा नहीं जो जो अल्लाह ने उनका मौकफ़ नकल किया वीन कफरू ला तस्म हाजल कुरान वलगौफ़ी इस कुरान को नहीं सुनो जब मोहम्मद क्या करो शोर भोग करो बेतुल्ला पढ़ते लोग करतेदिया बजाते, बजाते। तो ये बड़ी सरकश कौम थी अल्लाह अजलम व अतगा उसका एक मौकफ एक उसलूब उनका ये था नूअसल्लाम दावत दे रहे हैं वो अपने कानों में उंगलियाँ डाल ले रहे हैं क्यों ताकि दावत हक दावत तोहीद जो रसालत का पैगाम जो वही नू आम सुना रहे हैं वो हमारे कानों में ना आए ताकि ऐसा ना हो कम उसको कबूल कर लें अपने आप पर पर्दे डाल लेते चेहरे छुपा लेते ताकि नू नूसम हमको पहचान ना सकें ये मौक़ कैसा था ये सारा मौक़ ये था कि हम आपकी बात को मानने वाले हैं कि नहीं हैं नहीं है ईमान लाने वालों की तादाद कितनी थी जो ये सब करेगा वो ईमान लाएगा या नहीं लाएगा ये तकजीब हुई तकजीब का मतलब झुटलाना बात नहीं मानना कुरान ने कई जगहों पर यह उसलू नकल किया है कि कौम नू ने नू असलम की बात नहीं मानी सर शरा पड़े एक उसलूब है सुरश्रा का कदबत कौम नूह निलम सलीन काबत कौमलूत नीलुरसली कदब आदल सली रब समसली तो कौम नू ने रसूलों की तकजीब की मुरसलीन ये कौन सा लफ्ज है जमा का सेगा कसेगामरसली जमा का सेगा गाय सुर किया ने रसूलों की तकजीब रसूल की रसूल निकाल ने जमा इस्तेमाल किया मुरसलीन अरबी ग्रामर के से जमा मुजर सालीम एक दूसरी याद सूर फुरकान की व कौ मनोह लम्मा रसूल जबुल नूह ने रसूलों की तकजीब रसूल की यहाँ रसुल जम इसमाल अलबत् जमा तक है तो नूह ने एक रसूल की तकजीब की थी किस रसूल की नूसम के लेकिन अल्लाह ने सेगा कौन सा इस्तेमाल किया है जमा का सेगा एक जगह जमा तकसीर का सेगा सुरह फुरकान में रसुल और सुरः शोरा में जमा मुजक्कर सालिम का सेगा मतलब क्या है कोई बात बताएंगे कौम नूह ने नूह अम की तकजीब की लेकिन अल्लाह ने जमा का सेगा इस्तेमाल किया जमा तकसर भी इस्तेमाल किया सुरफ फुरकान में और जमा मुजक्कर सालिम भी इस्तेमाल किया सुरह शोरा में ऐसा क्यों है मतलब नस्ले में हाँ एक बात ये भी हो सकती है लेकिन रसूल तो एक ही रहे हाँ एक रसूल को जुटलाया नू सलाम को फिर भी अल्लाह ने उनके लिए जमा का सेगा इस्तेमाल किया कि रसूलों को जुटलाया हाँ कोई भाई बता सकते हैं बहुत सरकश कौन थी हाँ ये दूसरे ना एक हाँ हाँ कोई भाई उस पॉइंट पर नहीं जा रहे क्योंकि एक नबी को जुटलाना तमाम अंबिया कराम को जुटलाना इसलिए है कि तमाम अंबिया कराम की दावत एक ही थी अल्लाह की वहदानियत की दावत अल्लाह की तोहद की दावत सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना इस बाब में तमाम अम्बिया कराम मुतफिक हैं तोद की दावत में तमाम अम्बिया कराम मुतफिक हैं बाकी शरीयत मुख्तलिफ हो सकती है कुछ चीज़ें किसी नबी के ज़माने में हलाल बाद में हराम लेकिन तोहहीद की दावत पर तमाम अम्बिया कराम का इतफाक़ है इसमें कभी इख्तलाफ़ नहीं हुआ तमाम अम्बिया कराम ने यही दावत दी कि अल्लाह की इबादत करो

तो इस बात में अल्लाह की वहदानियत की तरफ अल्लाह की तोहद की तरफ बुलाने में तमाम अम्बिया कराम का इतफाक़ इसमें कभी इख्लाफ नहीं हुआ बाकी चीज़ों में इतलाफ जो शराय हैं, जो अहकाम हैं, उसमें इख्तलाफ हो सकता है लेकिन अल्लाह की वहदानियत के इकरार में सिर्फ अल्लाह की जानब बुलाने में अल्लाह की इबादत में किसी को शर्क ना करने में इसमें कभी इख्तलाफ रहा नहीं रहा ये इन फ़राज जैसे कौम आद का बताया सलाम ने ऐसा कहा सलाम ने ऐसा कहा कहाब्लाम ने ऐसा कहा लेकिन कुरान की दो आयतें हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि तमाम अंबिया कराम का यही हुक्म अल्लाह ने दिया वालक अदबाफिकम अन अने अबुदुल्ला वनबागुत हमने हर उम्मत में रसूल को यही पैगाम देकर भेजा कि अन अबूदुल्ला अल्लाह की इबादत करो और तागत से बचते रहो तागत क्या है अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत की जाती है वो सब ताकत एक दूसरी याद ओ मारसिन कमिल रसूल की जैसी याद है यानी जितने भी रसूल हमने भेजे ओ मार्ला कमिल रसूल आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे हमने उनको यही पैगाम देकर भेजे ला इला, 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 इला कि मेरे अलावा कोई मबूद नहीं अल्लाह कह रहे हैं फाबुदून तो मेरी ही इबादत करो तो इस बात में तमाम अम्बिया कराम मुतफिक हैं कि इबादत सिर्फ किसकी की जाएगी अल्लाह की तो जब इस दावत में सब लोग मुतफ़ हैं तो एक नबी की तकजीब नूह की तकजीम तमाम अम्बिया कराम की गर्चन सलाम सबसे पहले आने वाले रसूल हैं लेकिन अगर नूह को जुटलाया तो गोया की तमाम अंबिया कराम को जुटलाया इसलिए अल्लाह ने शोरा में और शुरह फुर्कान में रसूल नहीं मुरसलीन और रसूल का सेगा इस्तेमाल किया नहीं एक रसूल को जुटलाना तमाम रसूलों को जुटलाना या तमाम अम्बिया कराम को जुटलाना है नूल की कौम सरकशी की इंतहा को पहुंची हुई थी उनको मजनू कहती आप मजनू हैं और ये भी धमकी देती कि अगर आप बाद नहीं आएंगे तो हम आपको संगसार कर देंगे संगसार करने का मतलब समझते हैं सब लोग पत्थर से मार मार कर हला कर देंगे सूरज शोरा जिसमे कई अंबिया के राम को वाक़ बयान किए गए इनकी कौम का वाक्यन लताकुन मरजुमिन नूअली या नू अगर आप अपनी दावत से बाद नहीं आएंगे तो आप रजम कर दिए जाएंगे हम आपको रजम कर डालेंगे और जो तकजीब करते रहे बात नहीं मानेंगे तो अलग बात है लेकिन ये बड़ी धमकी है कि अगर आप बाज नहीं आए अपनी दावत से तो हम क्या करेंगे पत्थर मार मार कर हला कर डालेंगे और ये उस तरीका आज भी चला रहा है अहले बातिल का जब अहले हक के सामने तो जीत नहीं सकते या अहले हक़ को पसपा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अकली और मंतकी और नकली कोई दलील नहीं है तो आखिर में ये हरबा इस्तेमाल करते हैं ताकत का जो हरबा इस्तेमाल किया और जो धमकी धमकीदी कौमिन उन्हें लम तन तहयानु लतकुन तो आप ये चीज़ें अगर पढ़ते हैं कुरान में सिर्फ तारीखी वाक्यात के तौर पर नहीं देखे अंबिया कराम को किस तरह सताया गया और मौजूदा जमाने के वाकयात क्या है हम किस मुश्किल में पेश है और अम्बिया कराम ने जो मुश्किल झेली उसी जैसी मुश्किल या कभी कभी उससे सख्त मुश्किल आती रहती हैं और आती रहेंगी तो ये सारी चीजें जब सलाम के साथ हुई तो नू सलाम ने क्या किया रब से दुआ की ए, अन्नी मगलूबन फन तसर अन्य मगलूबन फन तसर क्या मतलब है ये कौम मुझ पर गालिब आ गई मैं मगलूब हो गया हूं ये कौम मुझ पर गालिब आ गई मैं मगलूब हो गया हूं लिहाजा मेरे रब मेरी मदद कर और आप देखिए कि एक नबी साढ़े नौ सौ साल दावत कर का काम कर रहा है तबलीग कर रहा है शरी दावत जहरी दावत तरगीब का उसलूब तरहीब का उसलूब दिनों रात दावत लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि खुद उसकी बीवी ईमान नहीं ला रही है खुद उसकी बीवी ईमान नहीं लाई खुद उसका बेटा ईमान नहीं लाया आप थोड़ी देर दरा अकेले में बैठ कर सोचें कि क्या बीता होगा एक नबी साढ़े या एक आदमी साढ़े नौ सौ साल एक काम के लिए लगा रहा और उसके घर की अपनी बीवी ईमान नहीं लाई अपना बेटा ईमान नहीं लाया तो क्या गुजरेगा या क्या बीतेगी ऐसे आदमी पर तो दुआ की फदारबी मगलूबिर मैं मगलूब आ गया हूं यह कौम मुझ पर गालिब आ गई है लिहाजा मेरे रब मेरी मदद कर तो अल्लाह की जानब से क्या हुक्म होता है कश्ती बनाइए कश्ती बनाइए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया इसनाइल फुल का बे आना इस्नाइल फुल का बे आन वह इना सुरमोमिन में भी इसका तस्करा और सरहुद में भी कि आप कश्ती बनाइए मेरी आंखों के सामने किन के हक्म से नूअसलम ने कश्ती बनानी शुरू की अल्लाह के उसमें एक लफ्ज इस समझ बे आउन हमारी आंखों के सामने इसेमाय सलाल करते हैं कि अल्लाह तबारको तला के लिए आँख है अल्लाह तबारको तला के लिए आँख का सबूत हम अल्लाह तबार को के लिए कोई सिफत या कोई इसम अपनी जानव से नहीं साबित करते हैं क्योंकि अल्लाह मुकम्मल गैब है अल्लाह क्या है मुकम्मल गैब है हम अल्लाह के बारे में वही चीजें जानते हैं जो कुरान में हमको बताया गया या रसूल ने सही हदीसों में हमको बताया जब अल्लाह ने बता दिया रसूल ने बता दिया तो हम उस पर मुकम्मल ईमान लाते हैं अल्लाह ने कहा बे आउन हमारी निगाहों के सामने हमारी आंखों के सामने तो हम कहते हैं कि अल्लाह को आन है अल्लाह को आंख है कैसे हम नहीं जानते वाज क्योंकि अल्लाह को हम देखने वाला मानते हैं हम कहते हैं अल्लाह देखने वाला है और देखना यह सिफात कमाल है या सिफात नक्श है कमाल है क्योंकि जो नहीं देखता है वो ऐब वाला है देखने वाला क्या है देखने वाला ऐब वाला नहीं ना देखने वाला ऐब वाला है अब इब्राहिम की दावत को याद करें मरियम में कहते हैं या आबाता ताबुदु यस माओ वाला वाला युव आप कैसे पूजा करते हैं कैसी इबादत करते हैं उस चीज की जो ना तो कुछ सुनता है और ना कुछ देखता है ना देखना क्या है सिफात कमाल या सिफात नक्स है नक्स है जो खुद सिफत नक्स वाला है वो कैसे अला हो सकता है तो ना देखना ऐब है इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मंतिकी अकली दलील दी कि जो देखता नहीं जो सुनता नहीं आप उसकी कैसे इबादत करते हो समझ नहीं चीज तो हम अल्लाह के लिए आयन को साबित मानते हैं क्योंकि हदीस में साबित माना गया कुरान में साबित माना गया अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ए, फितन की है की हदीसों में या अशरात उत्साह यानी क्यामत की निशानियों में से एक निशानी दज्जाल को बयान किया जिसकी सिफत अल्लाह के रसूल ने बयान की अक्सर लोग जानते होंगे इसको दज्जाल की सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की काना होगा आपने कहा कि हर नबी ने उसकी सिफत बयान की मैं भी बयान कर रहा हूँ कि दज्जाल क्या होगा आवर काना होगा वो उलूहियत का दावा करेगा और तुम्हारा रब आवर नहीं है तुम्हारा रब काना नहीं है तो देखना सिफत कमाल है ना देखना सिफत नक्श है तो अल्लाह तमाम सिफात कमाल जो भी सिफात कमाल हैं अल्लाह को बदरज को जेबा है जो सिफात नक्श हैं जो सिफात एब है अल्लाह उनसे बदरज अवला मुबर्रा है अल्लाह उनसे मुनजा है अल्लाह उनसे पाक है तो हम अल्लाह के लिए ऐन की सिफत यानी आंख को साबित मानते हैं क्योंकि देखना क्या है सिफत कमाल है, जो देखता नहीं वो कैसे रब हो सकता है इस नुकते को समझे आप ये बरेली एक ज़िमनी चीज़ थी तो अल्लाह ने उनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया अभी वो कश्ती बनाना शुरू करते हैं और कश्ती बनाना जब शुरू करते हैं तो कौम उनका मजाक उड़ाती है कौम क्या कह मजाक उड़ाती है ये सारी तफसीर में मिलेगी क्या कहते हैं वकुल्लम कौम सखरु मिनो नू सलाम कश्ती बना रहे हैं लोग आते जाते उनका क्या कर रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं नूआ क्या कहते हैं <rioting in the Bible> इन तस् खर उन्ना फ़ान्ना नस् खर उन्नकुम कमात खरुँ यह जवाब नाम का मुन्ना फ़ इन्ना नस् मिनकुम उनकुमुम कमात खरुँ बहुत आसानी से आप ये आयत याद कर सकते हैं जखीरा यस्करो के मुजारे कितनी मरतबा तकरार है इन तस् खर <खरूं> उन्ना अगर तुम लोग मुझसे शुक्रिया करते हो मजाक करते हो फना नस् खर उमिनकुम तो हम भी तुमसे मजाक करेंगे जिस तरह तुम आज हमसे मजाक कर रहे हो क्यामत के दिन या अजाब के दिन इन तस् खर उन्ना फ़ इन्ना नस् खर उन्नकुम कमातस् खरुँ आज तुम हमसे मजाक कर रहे हो तो कल हम तुमसे मजाक करेंगे आज तुम्हारा टाइम है तुम मजाक कर लो कल हम तुमसे मजाक करेंगे इस तरह के उस उसूब सुर मतफ़ी में अल्लाह ने बयान किया है मुजरमी का या कुफ्फार काजरमू कानूम लदीन अमनु यज हकून जो मुजरिम लोग हैं जो काफिर हैं वो क्या हैं मोमिनों पर हंसते हैं और जब उनके पास से गुजरते हैं तो आंखों से इशारा करते हैं जिसको हम कह सकते हैं कनखियों से ऐसे इशारा करते हैं वही मरूबेम इतगा मज़ून आँख के इसे इशारा करते हैं कनखियों से इशारा करते हैं उनकी बेइज्जती करते हैं वही फ़कीन जब अपने अहलोयाल के पास जाते हैं तो मज़े लेकर जाते हैं वो माऊर महाफिदीन फिर आखिरत में क्या होगा मामला उलट जाएगा फ़ली योम लदीन आमनु मदल कुफ़ार यजुन आज की दीनानी क्यामत के दिन क्या होगा फली योम लदीन आमनु मिनल कुारकुन आज दिन यानी क्यामत के दिन किस पर हंस होंगे काफिरों पर हंस होंगे जिस सलाम ने कहा इन मिनकुम कमा तस्खरुन तो ये एक सलाम के मतलब खास बात और आम बात जो सूरह मुतफिन में कही गई फली यौम लजीन आमनु मिनल कु आज ऐसा तुम कर रहे हो कल हम ऐसा करेंगे फली योम आमनू मिनल कुफ़ार कु आज के दिन मोमिन काफिर पर हंस रहे होंगे उसके बाद कहा जा। यन जाएल क्या मतलब अलल यन का हम आसान जबान में कह सकते हैं सोफे पर बैठे हुए देख रहे होंगे अलल यन सोफे पर बैठे हुए देख रहे होंगे किसको देख रहे होंगे इसका तस्करा नहीं किया कितनी चीजों को देख सकते हैं आप द्वारा तस्वर कीजिए अपने एतबार से किसको देखने की बात कही होगी गाबा हो गा। सुरहतिन में दो जगह यहाँ पर आया यन आयान आप सोचिए अपने एतबार से किसको देखने की बात कही होगी हो ये अल अराय के सुरे में दो मरतबा के आ एक सेकंड लास्ट आयत में और आयत नंबर तेईस में हाँ कुछ तो अंदाजा लगाइए काफी लोगों को देख रहे होंगे और नहीं फिक्र वहां तक नहीं जा रही जैसे अभी अगर हमको भूख लगी है क्या सोचेंगे एक तो चावल मिल जाए बिरयानी मिल जाए पुला मिल जाए लेकिन सबसे अच्छे चीज किसकी आप तो को कर सकते हैं मुझे ये खाने को मिल जाए आप यहां सोचिए किस चीज सबसे अच्छी कौन सी चीज होगी जिसको वो देख रहे होंगे ये अलल आरई की सोफे पर बैठे देख रहे होंगे इसे जो बीच में आया अलल फिर कहा गया फी केजूहि नजरत नईम वो देख रहे होंगे उस देखने की वजह से आप उनके चेहरों पर ताजगी महसूस करेंगे और ये चीज़ दूसरी जगह बयान की वो जू हुई नाजिराब नाजिरा उस दिन कुछ चेहरे तरो ताज़ा होंगे अपने रब को देख रहे होंगे किसको देख रहे होंगे उसका तस्करा ने किया क्योंकि सबसे आला सबसे आला चीज़ जिसको हम देखने की तवक्को रखते हैं जिसको देखना जन्नत की नेमतों से ज्यादा आला और अजीम है वो रब की जात है इसलिए रब के दीदार रब को देखने की दुआ भी हमें सिखलाई गई है अल्लाम नजर अलावज कल कर अल्लाह तेरे चेहरे के दीदार ए, से जो लज्जत महसूस होती है उसका मैं सवाल करता हूँ तो ये सबसे आला चीज़ है अल तो सलाम की कश्ती बनाए और ये ए, जो सरकश कौम थी अड़ियल कौम थी अजलम थी अतगह थी ालिम और सरकश कौम थी ये मजाक करते रहे जब अजाब आता है अजाब किस चीज़ का अजाब आया था पानी का अजाब आया, आया। सूर्य कमर आप उसके लिए पढ़ें बड़े ही अच्छे उसलू में अल्लाह ने बयान ऊपर से भी अजाम नीचे से भी अजाम पानी का फतहना पानी के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए तेज धार पानी के दरवाजे आसमान से खोल दिए और नीचे से भी जमीन भी पानी के चश्मे बाहरी वो फजर अर्ज और यूना सूर्य कमर में अल्लाह ने कहा वह फजर अर्ज और जमीन से भी चश्मे उबलने लगे ऊपर से भी पानी और नीचे से भी पानी अब क्या करेगी अब कश्ती अपना काम दिखाएगी कश्ती अब अपना काम दिखाएगी इसीलिए सलफ ने कहा असुन्न तो सफ़ीन तु असुन्नतो सफ़ीन तु सुनत जो है नू असल्लाम की कश्ती के मानंदे मर्रकीबा नजा मनतखल फानहालक जो उससे एराज किया नहीं सवार हुआ वो या तो हलाक हो जाएगा या गरक क्याब हो जाएगा तो जब अल्लाह का अजाब आया पानी का इसमें तमाम वो लोग क्याब हो गए डूब गए जो इस कश्ती में सवार नहीं थे चाहे उनके घर के अपने बेटा रहा हो या उनकी अपनी बीवी रही इससे क्या नसीहत मिलती है हमें कि असल रिश्ता क्या है तोहहीद और ईमान का रिश्ता है असल रिश्ता तोहहीद और ईमान का रिश्ता है इस रिश्ते में अगर मजबूती नहीं हुई तो शौहर बीवी के काम नहीं आएगा और बाप बेटे के काम आएगा कि नहीं आएगा और इस चीज को और अच्छी तरह समझने के लिए आप वायद पढ़ लेंगे यो ये फिर अखी व अबी व साहेबती उस दिन यानी कि के दिन इंसान हर किसी से भी भागेगा जिसमें वसाहमति व बनी का भी तस्करा अल्लाह ने किया अपनी बीवी से भी भागेगा और अपने बच्चे या अपने बेटे से भी भागेगा अगर कोई किसी को बचा सकता था तो नू आ सलाम अपने बेटे को बचा लेते और नू आ सलाम अपनी बीवी को बचा लेते हालांकि उस आखिरी मरल में नू आ सलाम अपने बेटे को आवाज़ देते हैं आवाज़ देते हैं ना और इसको जब हम अपने एतबार से अगर सोचते हैं आप तो जो बाप की एक मोहब्बत होती है बाप होने के नाते वो चीज़ गालिब आ जाती है बेटा सामने डूबने वाला है तो बाप कैसा हो बाप होने के नाते जो शफकत पिदरी है जो इंसानी फितरत होती है हर बाप के दिल में बेटे के तल्लु से वो चीज़ गालिब आ जाती है और अपने बेटे को पुकारते हैं क्या कहते हैं या बोैर या बोनैर कम माना वाला तक माल काफिर मेरे बेटे मेरे साथ सवार हो जाओ काफिरों के साथ नहीं हो तो बेटा क्या जवाब देता है स आवी अला जबिल यासमुनी मिदलमा क्या कहता बेटा भाई पहाड़ पर, पर चढ़ जाऊंगा मुझे पानी से बचा लेगा नूर सलाम क्या कहते हैं ला लाआसमिल्ला बाप बुला रहे हैं बाप होने के नाते शफकत पेदरी भी गालिब है और नबी होने के नाते बुला रहे हैं लेकिन बेटा क्या कह रहा है स इला जबली यासमुनी मिनलमा चूंकि उस वक्त पहाड़ ऊंचा दिख रहा था लेकिन ये रब का अजाब था जिसको पहाड़ या कोई मौजूदा सायरन नहीं बचा सकता जब रब का अजाब आता है जो इंसानों ने जो चीजें ईजाद की वो चीजें रब के अजाब को नहीं बचा सकती रब के अजाब का दिफा नहीं कर सकती रब के अजाब को फेर नहीं सकती सा इसमें एक नसीहत हम सब के लिए क्या नसीहत है नस के सामने किताब सुन्नत के सामने कुरान हदीस की बातों के सामने क्यास की कोई अहमियत नहीं मंतिक की कोई अहमियत और हैसियत नहीं लाजिक और अक्ल की कोई अहमियत और हैसियत नहीं फिर वैसा ही होगा जिस तरह नूसम अपने बेटे को बुला रहे हैं और वो कश्ती में सवार नहीं होता और फिर ये इस गुफ्तगु के अंदाज़ में ही गुफ्तु हो ही हो रही है और इसी असला में इसी दौरान में उनका बेटा गर के आब हो जाता हाल बई अल मौज फकान मिनल मुगरकिन तो अगर हमने किताब सुन्नत के दलाइल के सामने क्यास किया अक्ल के रोड़े अटकाए या अपनी क्यास आरई की मंतिक और लाजिक को अपनाया किताब सुन्नत के मुकाबले में तो अंजाम क्या होगा जो अंजाम किसका हुआ नू सलाम के बेटे का हुआ इसलिए फिर मा सल्फ की उस बात को आप लाइए सुन्नत व सफ़ीनत नु सुन्नत की मिसाल नू सलाम के कश्ती के मानंदे और भी बहुत सारी नसीहतें हैं नू आम की ज़िंदगी में एक दो चीज़ें बहुत अहम हैं जिसका तस्करा ज़रूरी है एक तो ये जब ये लोग डूबने लगे उस डूबने के तस्करे को नूह में बड़े ही आसान अल्फाज में कई जगहों पर कुरान ने तस्करा किया लेकिन सुरे नूह में जो कहा गया क्या कहा गया मिम्मा खती आतीम उगरेकु फैलुनारा मिम्मा खती आतीम उगरेकु फेलुनारा मिम्मा मिन कोल्मा कहते हैं सबबिया है। यानी अपने गुनाहों की पादाश में या अपने गुनाहों की वजह से उगरेकू उगरेको का मतलब डुबो दिए गए गर्ग कर दिया गया उन्हें आसमान से भी पानी और जमीन से भी पानी खतिया उग्र को अपनी गुनाहों की वजह से वो लोग डुबो दिए गए उसके बाद क्या अला कह रहे हैं फउद खेलु नारा बहुत अहम आयत है कई नाहिए से अहम है दो नाहिए बतलाना ज्यादा जरूरी यहां पर फउद खेलू नारा पानी में डूब रहे हैं लेकिन कुरान क्या कह रहे हैं फउद खेलू आग में जा रहे हैं आग में दाखिल किए जा रहे हैं पानी में डुबोया जा रहा है लेकिन दाखिल कहाँ हो रहे हैं आग में पहली बात यह कि अल्लाह ने यहाँ पर मिम्मा खतियातम अल्लाह ने जो उनको गर के आब किया जो पानी का अजाब आया उनके गुनाहों की पादाश में था अल्लाह ने जुल्म नहीं किया इसलिए आप देखेंगे जब अजाब की आयतें पढ़ेंगे अंबिया कराम की कौमों पर जो अजाब आया तो बेशतर मकाम पर आप एक लफ्ज़ पाएंगे उमा ऐसा उल्लाफिल जैसी ताबीर कि अल्लाह ने ऊपर कोई जुल्म नहीं किया वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे इसी तरह अल्लाह भी कह रहे हैं, मिम्मा उग्र को उनकी गुनाहों के पादाश में उनके गुनाहों के सब उनको डुबा दिया गया डूब तो रहे हैं, पानी में लेकिन दाखिल कहां हो रहे हैं आग में क्या इसे समझ में आता है दुनिया और आखिर नहीं एक अहम चीज जन्नत जहन्नम और एक चीज़ तो यह है कि कभी कभी बाहिर जो चीज़ दिखती है वो वो चीज़ नहीं होती बाहिर आपको कुछ नज़र आता है अजाब नजर आता है लेकिन वो चीज़ नेमत होती है या बज़ाहिर वो चीज़ रहमत नजर आती है लेकिन वो चीज़ जहमत होती है कुरान आसान तक हुसैन वह हुआ खैरकम हो सकता है आप किसी चीज़ को नापसंद करें लेकिन वह आपके लिए खैर हो बहुत पाइन की जो आखिरी चीज़ इस आयत में मिम्मा खतियात उग्र को फौद खिलुन अगर आप अरबी ग्रामर या ना हो कोई भाई समझ रहे हैं तो उसको समझेंगे फा है फा क्या है, है जो तरतीब बगैर के लिए आता है यानी डुबोए गए उसके बाद दाखिल किए गए आग में और ताखीर नहीं हुई यानी पानी में डूबते हुए वो आग में दाखिल हो गए कुछ समझ में आया अभी आपको पानी में डूबते हुए वो आग में दाखिल हो क्या ये चीज क्या हुई सीधा जहनम रसीदोगे एक दूसरी अहम चीज जो अभी किसी भाई ने नहीं बताई इससे अजाब कब्र का सबूत मिल रहा है इस आयत से मिम्मा नारा। इस आयत से अजाब कब्र का सबूत मिला है ये पॉइंट मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसा समझते हैं कि अजाब कब्र का तस्करा कुरान में नहीं है तकरीबन इसकी दस आयत है क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है इस आयत को आप समझ लें अल्लाह क्या कह रहे हैं उनको डुबोया गया पानी में लेकिन दाखिल कहां हो रहे हैं आग में तो ये आग जहन्नम वाली आग है या बरदखी जो कब्र वाली आग है क्योंकि ये फा इस्तेमाल हो फा फा का मतलब क्या होता है जो पहले काम हुआ उसके बाद वाला काम बगैर किसी तखिर के हो रहा है जो काम पहले हो रहा है उसके बाद वाला काम बगैर किसी तखिर जैसे दो भाई आए एक नाम अहमद और दूसरे का नाम मोहम्मद तो मैं कहूं दखला अहमद फ मोहम्मद इसका मतलब अहमद आया अहमद के फौरन बाद मोहम्मद आया बगैर किसी तख़ीर के बगैर किसी फासिले के तो कुरान या कह रहा है उनको डुबोया गया पानी में लेकिन दाखिल कहाँ हुए फौरन वो आग में तो वो जहन्नम में नहीं जो क्यामत के दिन जहन्नम मिलेगी वो नहीं कौन सी नार है क़ब्र का अजाब तो इस तरह तकरीबन दस आयतें तो हैं जिसमें कब्र के अजाब का तस्करा है तो इस आयत से अजाब कब्र का सबूत भी मिला है और भी बहुत सारी आते हैं क्योंकि बहुत सारे जो अक्ल पसंद लोग हैं और अपने अक्ल से कुरान को समझते हैं वो इस बात का इनकार करते हैं नवजा की अजाब कब्र का तस्करा नहीं है तो उल्मान उनको क्या दवाई दी है अल्लाह ये अजाब कब्र का मुन था मरने के बाद चखाना ताकि इसको यकीन हो जाए खिलु नारा पानी में गर्क होते ही वो नार जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं। ये आजाब कौन सा आजाब है बरसकी आजाब है या कब्र का आजाब है जहन्नम वाला आजाब नहीं वो तो क्या मिलेगा ये चीज समझ में आई आपको आखिर में नू वाल ने दुआ की थी नूह के आखिर में रबिक वाले, वाले, वाले मन दखला बैतया ये दुआ हम सबको करनी चाहिए जिसका मफह है मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरे वाल को बख्श दे और जो भी मेरे घर में दाखिल हुआ कुरान में जल इस्तेमाल बेती जो मेरे घर में दाखिल हुआ उलमा ये भी कहते हैं बैती से मुराद सफ़ी है जो मेरी कश्ती में दाखिल हुआ क्योंकि वही लोग बचे वही लोग ईमान वाले थे मोमिना ईमान की हालत में वलमिनीन वलमिनात मोमिन मर्दों को बख्श दे और मोमिन औरतों को बख्श दे तो ये दुआ हम सबको करनी चाहिए रबिक फिल्ली वल वालदैया वलमन दखिलबैत या ममिन वलाम वाल ममिनत वला तज़ाल तबारा नूअ सलाम की ज़िंदगी से मतलब कुछ अहम चीज़ें जो नूसलम की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं जिसको हमें समझना चाहिए और उसको तदबीक करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना चाहिए उनमें सबसे अहम चीज़ तोद है रब की तोहद रब को ही अकेला इबादत के लायक समझना उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना यह कहाँ समझ में आता है हमको नवरे ने क्या कहा था दूसरी यासुरा नू की ओबुदुल्लाबूल व तकु अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत के साथ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और कहने मेरी इताद करो तो ये चीज़ तमाम अम्बिया के नाम क्या मिली अल्लाह की वदानियत और रसूल की इतार इस चीज़ में तमाम अंबिया कराम मुश्तरक हैं इबादत सिर्फ़ अल्लाह की अल्लाह की इबादत अल्ला में किसी को शरीक नहीं करना है और हर जमाने में जो रसूल भेजे गए हैं उनकी इतात करना है और कब्र वाली बात बहुत ही अहम थी इसलिए मैं उसकी जानब इशारा किया क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में शशोपंज में रहते हैं या शको शुबे का इजहार करते हैं दूसरी अहम चीज़ इस्तगफ़ार की अहमियत और फजीलत इस्तफार की अहमियत और फजीलत इंसानी ज़िंदगी में और दावती ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें बताई गई एक तो आम चीज है बारिश अल्लाह माल से तुम्हारी मदद करेगा बेटों से तुम्हारी मदद करेगा बागात देगा नहर देगा ये सारी चीज़ किसके नतीजे में है इस्तफार के नतीजे में दावत के जो उसलूब बताए गए सिर दावत जहरी दावत दिन में भी दावत रात में भी दावत तरगीब का उसलूब तरहीब का उसलूब ये सारी चीज़ें हमें नूआई साम की जिंदगी से मिलती हैं नूआ इस्लाम की जिंदगी से मिलती हैं इसी तरह जो मदू है यानी जिसको आदमी दावत दे रहा है बेहतर है कि अल्लाह की इबादत के साथ उसको तकवा की भी नसीहत करे तकवा का मतलब जो अल्लाह के अवामिर उनको बजा लाना और जो मनहियात है उनसे रुक जाना सलाम ने क्या कहा था वकु आयत नंबर तीन सुरैनों की वत तक अन्य बदल इसलिए आप देखेंगे जो खुदबा हाजा है जुमा को भी आप सुनते हैं वो तीन आयतें जो पढ़ी जाती हैं उन सबके शुरू में किस चीज़ की नसीहत होती है तकवा की नसीहत दूसरी जगहों पर कुरान का वाली ओतुल किताबल मनी तकुल्ला तुमसे पहले लोगों को और तुमको भी तकवा की नसीहत की जा रही है इसी तरह एक अहम चीज़ जिस पर दर्स का अख्ताम करते हैं और जिसको मैं आयत दर्स के शुरू में पढ़ा था कि सब्र क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की नसीहत की गई सुर अहकाफ की आखिरी आयत जो दर्स के शुरू में पढ़ा था फसबिर कमा सबर उल अज़्म मिनसुल ये दाई के लिए अपनी दावती ज़िंदगी में भी है और हर मोमिन के लिए अपनी आम जिंदगी में भी हर मोमिन के लिए अपनी आम जिंदगी में भी आप दावती काम कर रहे हैं दावती काज कर रहे हैं दावती फील्ड में तो भी आपको मुश्किल आती हैं तो क्या करना है आपको सब्र करना है जिस तरह उल उजम रसूलों ने सब्र किया सुरह काफ की आखिरी आयत, या आप आम जिंदगी में आपको मसाइल पेश आ रहे हैं तो भी आपको क्या करना है सब्र करना ये सब्र की नसीहत बेशुमार कई जगहों पर कई आयतों में जैसे एक बहुत मशहूर आयत बिस्सब्र वस्सलाह और आज़मान एक खौफ आखिर में क्या कहता हूँ आखिर क्या कहता हूँ उबस शरीसरिन उबस सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए सूरह आले इमरान की आखिरी आयत आखिर क्योंकि सुरहकाफ़ की भी आखिरत थी जो मैं पढ़ा था तो इमरान की आखिरी आयत आख आले इमरान अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोमिनों को पेश आती हैं मोमिनों को जो दुश्मनान की जानब से सताया जा रहा है आधा इस्लाम की तरफ से जो साजिशें हैं या आज के जबान में जिसको हम अरबी में गज्व फिक्री कह सकते हैं अफकार की जो जंग है इन सारी चीज़ों या इस जैसी बहुत सारी चीज़ों का तस्करा अलीमरान में है अली इमरान जब खत्म हो रही है अल्लाह ने एक अहम नसीहत की यही सब्र की बात या यू लदीन आमस्िरु वू वतु सब्र करो आप दावती काम कर रहे हैं वहाँ मुश्किल पेश आ रही हैं तो भी आपको सब्र करना है या आम जिंदगी में आपको मुश्किल पेश आ रही तो भी आपको सब्र करना है और यही चीज़ सूरत के अखीर में सिखाई गई सूरत असर जानते हैं दो सत्र की सूरत है तीन या चार आते हैं उसमें क्या कहा गया कोई सूरत से पढ़े कोई भाई कोई छोटा बच्चा तो पढ़े हाँ।, हाँ हाँ आखिरी चीज क्या वसीयत की गई इसमें क्या नसीहत की गई है वतवासो आखिरी वसीयत वतवासव आप चीज़ों को जोड़ तीन सूरत की आखिरी आयत मैंने पढ़ा तीन सूरत की मैंने आखिरी आयत पढ़ा है एक तो काफ की आखिरी आयत जो दर्श के शुरू में पढ़ा था सुरा सुर इमरान की आखिरी आयत सुरा इमरान के बारे में बताया कि ने इस्लाम से मोमिनों को मुसलमानों को जो जसायल पेश आते हैं जिस तरह सताया जाता है तकरीबन उस चीज़ का तस्करा इमरान में खत्म हो रही सुर इमरान तो अल्लाह ने कहा यादिन सुर असर इस सूरत के बारे में हम शाफी रहमत का बहुत मशहूर मकूला है कि के अनुलाजतन अल्लाई सूर लकफ़त हम अगर अल्लाह तबारक वाली मोमिन पर सिर्फ यही सूरत नाजिल करता तो उनके लिए काफ़ी होती इस सूरत में चार अहम चीज़ें बयान की गई हैं कि जो इन चार सिफात से मुतसिफ होगा वो खसारे में नहीं होगा नंबर एक ईमान नंबर दो अमृ साले नंबर तीन हक की वसीयत और नंबर चार जब हक़ की वसीयत करेंगे हक़ की बात फैलाएँगे तो आपको मसायब और मुश्किल पेश आएंगे तो आपको उस पर सब्र करना है इसी पर सब्र की नसीहत पर अपने दर्श का इख्तिताम करते हैं और खात्मा करते हैं इस दुआ के साथ तबारक ताल में हक़ कहने और हक़ सुनने की तोफ़ी दे और दावत के काम में जो भी लगे हुए हैं अल्लाह तबारक त उनके मुश्किल को आसान फरमाए और हमको नबवी दावत नबवी मिशन और सलफ़ के मनहज के साथ काम करने की तोफीक़ दे और हमारी जिंदगी आम जिंदगी और जो दावती ज़िंदगी ये किताब सुन्नत और कुरान सुन्नत के मुताबिक हो तरीक़े में उसलूब में मनहज में नबियों वाला तरीका हो और अम्बिया कराम वाला तरीका हो और अम्बिया कराम के दावत से उनकी सीरत से उनके हयात से उनके जो कुरान में किस्से बयान किए गए हैं उनको हम उनसे हमको कुछ सीखने समझने और फ़ायद हासिल करने और अपनी अमली ज़िंदगी में बरतने के अल्लाह तबारक ताली तोफीक दे वाखिर दावान अलहमदिल्ला रबीआलमिन असल वरम वरक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाक अल्लाह खैरन